बाला उजड़ा चमन जैसी फिल्मों का टॉपिक क्या है? केश, बाल, हेयर, बॉल्डनेस, मेल पैटर्न बॉल्डनेस टू बी मोर स्पेसिफिक। अगर आप एक मर्द हो, आपके भी लाइफ में एक ऐसा दिन आएगा जहां आपके घने बाल पतले होने लगेंगे और शायद गिरने भी लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इजी होम रेमेडीज बताऊंगा जिसकी वजह से आपके बाल घने, तगड़े, थिक, लशियस, सेक्सी बन जाएंगे। आज के वीडियो में बालों को घना कैसे बनाएं, केश को ज्यादा घना कैसे बनाएं एट होम विथ इजी साइंटिफिक टेक्निक्स, थैंक्स टू योर हेयर एक्सपर्ट भैया रणवीर। पहला टिप, कॉर्टिजोल इज द एनिमी। कॉर्टिजोल आपके बॉडी की एक नेगेटिव हार्मोन होती है। हाँ जी, आपके बॉडी में होते हैं पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, पर नेगेटिव हार्मोन्स भी होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा मोगैम्बो हार्मोन है कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल आपकी बॉडी में क्यों प्रोड्यूस होता है? या तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपने कुछ ऐसी मेडिकेशन ली है, या आपने बॉडी में ड्रग्स डाले जैसे कि स्टेरॉइड, या मोस्ट कॉमनली कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस की वजह से। अगर आप एकदम टेंशन ले रहे हो ना हर चीज़ के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, तब आपके कॉर्टिजोल लेवल्स नॉर्मल से लेवल तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स का सबसे बड़ा इफेक्ट पता है क्या है? ये है, ये देखो, ये आपके बालों की एक बॉडी है, बिल्कुल पेड़ की तरह है। नीचे है आपके बालों का फॉलिकल, ये होते हैं आपके बालों के रूट्स, और रूट्स में ही सबसे ज़्यादा जान होती है। रूट से ही आपके बालों की पावर निकलती है, रूट से ही आपके बालों की ग्रोथ होती है। तो अगर ये रूट्स होंगे अनहेल्दी तो आपके बाल भी होंगे अनहेल्दी, पतले हो जाएंगे। तो पता है ये रूट्स अनहेल्दी कैसे बन जाते हैं? ज़्यादा कॉर्टिसोल की वजह से। फॉलिकल हेल्थ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो अगर आपको कॉर्टिसोल कम करना है तो स्ट्रेस कम लो अपनी लाइफ में। अगर स्ट्रेस कम लेना है अपनी लाइफ में, नंबर वन रूल माय ब्रदर इज मेडिटेशन स्लैश प्राणायाम स्लैश चिलिंग आउट ब्रो। इस तकनीक को मैं कहता हूँ ग्रूमिंग प्राणायाम। ये बेसिकली आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कर देता है। आप ये कैसे करोगे? आप बैठोगे एक जगह में, अपनी बैक को स्ट्रेट रखोगे। अगर आप बैठ नहीं सकते हो तो लीन बैक करके बैठो, यानी कि सरफेस पर, वॉल पर लीन बैक करके बैठो। टेक एक्स काउंट्स ऑफ ब्रेथ इन, होल्ड फॉर एक्स काउंट्स एंड एक्स काउंट्स आउट, यानी कि 5 काउंट इन 5 काउंट होल्ड 5 काउंट आउट, या 10 इन 10 होल्ड 10 आउट। बेसिकली रेशियो आपका सेम होना चाहिए। ये आप हर दिन अगर 15 मिनट के लिए करोगे ना, आपकी स्किन हेल्थ, आपके बालों की हेल्थ पूरी तरह से बदल जाएगी। और अगर आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है, अगर आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, ऐसे सिंपल प्राणायाम का प्रयोग करके आपका स्ट्रेस और आपके बालों की हेल्थ दोनों ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, यानी कि स्ट्रेस कम हो जाएगा, बालों की हेल्थ। ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। अगर आपको पतले बालों को थिक करना है तो पहले स्ट्रेस लेना कम कीजिए, प्राणायाम ज़्यादा कीजिए, मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए और चैन की नींद सोइए। पर रूल नंबर टू इज़, हमारे देश में पता है एक बुरी बात क्या है कि ज़्यादातर ना शहरों के बाहर खड़ा पानी पाया जाता है, यानी कि हार्ड वाटर। पानी भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड वाटर जहाँ सब केमिकल्स पानी में मिक्स्ड होते हैं, और सॉफ्ट वाटर जो शहरों में पाया जाता है वो थोड़ा सा प्योर वाटर होता है, साफ प्रकार का वाटर होता है। बेसिकली सॉफ्ट वाटर में अगर आपने साबुन मिलाया ना तो उसमें वो झाग ना, वो बबल्स ज़्यादा फॉर्म होंगे, हार्ड वाटर में बबल्स कम फॉर्म होते हैं, वो है हार्ड वाटर की एक साइन। पर दोस्तों, पता है गम की बात क्या है कि हार्ड वाटर पीने से और हार्ड वाटर को बालों पर लगाने से आपके बाल हो जाते हैं डैमेज, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डैमेज होती है, आपके बॉडी को अंदर से डैमेज होती है, और वहीं बालों की बॉडी की रूट कि फॉलिकल हेल्थ भी डैमेज हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको घने बाल चाहिए ना, कड़े पानी से दूर रहिए। कड़ा पानी उससे दूर रहिए, गो फॉर सॉफ्ट वाटर। और अगर आपके इलाके में सिर्फ कड़ा पानी पाया जाता है तो प्लीज़ आइडियली अपने हेयर पर उस पानी को कम डालिए। और पानी पीने की बात आई तो प्लीज़ कड़े पानी से दूर रहिए, सॉफ्ट वाटर पीजिए। जो पानी एक वाटर प्योरीफायर से निकलता है ना, वो पानी ही पीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ अपने बॉडी में डाल रहे हो ना दोस्त, वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करने वाली है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर फूड माई ब्रदर। तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में, डाइट। आप अपने डाइट में क्या चेंजेस ला सकते हो जिसकी वजह से आपके बालों को फायदा होगा? कौन से चेंजेस है? बेसिक चेंजेस है विटामिन ई और विटामिन ए। ये एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बालों की सेहत, आपकी फॉलिकल की हेल्थ ज़्यादा बढ़ जाएगी। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा आपको? बादाम से विटामिन ई मिलेगा, आपको अंडों से विटामिन ई मिलेगा, और आपको सिंगदाना यानी कि पीनट्स यानी कि ग्राउंड नट से विटामिन ई मिलेगा। अगर आप
नट्स खा रहे हो ना, तो उन्हें पानी में डालकर थोड़ा सोक कर दीजिए, रात भर रखिए पानी में और सुबह खा लीजिए। विटामिन ई का एक ज़बरदस्त सोर्स होता है। और विटामिन ए की बात आई तो जो भी फ्रूट ऑरेंज कलर के होते हैं ना, नारंगी कलर के फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज, संतरे या आम या पपाया या एग योक, उन सब चीज़ों में क्या होता है, विटामिन ए। और विटामिन ए आपके आँखों की सेहत के लिए और आपके बालों की सेहत के लिए तोड़फोड़ है माय ब्रदर। पर इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, आपको हर दिन अलग अलग कलर के फ्रूट खाने चाहिए। ये मैं कहते रहता हूँ, फ्रूट नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों अपने डाइट में रखिए और हर दिन अलग अलग कलर पर फोकस कीजिए। इसकी वजह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिलेगी फाइबर, और फाइबर की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जाएगा स्मूथली, यानी कि जब आप टॉयलेट जाओगे ना, तब टॉयलेट में भी मज़ा आएगा, आपको टेंशन नहीं होगी टॉयलेट में, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और एक और चीज़, ऑब्वियसली अलग अलग कलर की वजह से आपको मिलेगी अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशन, और एक हाईली न्यूट्रिशियस बॉडी की वजह से आपके बाल भी हाईली न्यूट्रिशियस बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप न्यूट्रिशन पर ध्यान दे रहे हो तो प्लीज़ पानी के बारे में मत भूलना, क्योंकि पानी की वजह से ही आपके बॉडी की सेहत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। ओके दोस्तों, चौथा पॉइंट, प्रोटेक्ट योर मॉइस्चर कोटिंग। ये आपके बालों की बॉडी, बालों की मेन बॉडी पर एक पतला सा पानी का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं मॉइस्चर कोटिंग, और इसे ही प्रोटेक्ट करने से, इसकी रक्षा करने से आपके बाल हो जाएंगे घने, आपके बाल हो जाएंगे शाइनी, आपके बाल हो जाएंगे थिक और हेल्दी। पर आप ये कैसे करोगे दोस्तों, आज के ज़माने में अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्स, जैसे कि जेल, बहुत सारे लोग हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेयर स्ट्रेटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बालों को कलर कर रहे हैं, और इन सभी चीज़ों की वजह से हेयर की मॉइस्चर कोटिंग थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। पर ये मॉइस्चर कोटिंग डैमेज होने की एक और सबसे बड़ी वजह पता क्या है, रॉन्ग शैम्पू। अगर आपने हर रोज एक सल्फेट और पैराबेन वाला शैम्पू यूज किया ना, जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, बचपन से हम सल्फेट पैराबेन वाले शैम्पू यूज कर रहे आ रहे हैं, उससे आपके बाल धुल तो जाएंगे पर आपकी स्कैल्प की, यहां की चमड़ी की सेहत और आपके बालों की बॉडी की सेहत चकना चूर हो जाएगी दोस्त। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर मॉइस्चर कोटिंग। मैं खुद पता है क्या करता हूँ, खुद ऑर्गेनिक शैम्पूज़ यूज़ करता हूँ, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। ऑर्गेनिक ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की बात आई तो मैं केवल एक ब्रांड की रिकमेंडेशन देता हूँ हमेशा, जिसका नाम है वाव स्किन साइंस। वाव स्किन साइंस का सबसे तोड़ फोड़ नया प्रोडक्ट है ये अनियन शैम्पू प्लस कंडीशनर। ये मैं खुद अपने बालों पर यूज़ करता हूँ और आप खुद ही मेरे बालों की कंडीशन देख लो, थिक है, घने हैं, हेल्दी है। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करता हूँ। और तो और, वाव ने शैम्पू के साथ साथ एक हेयर मास्क भी रिलीज़ कर दिया है। जैसे कि हम हमारे बालों में तेल डालते हैं ना, उसी प्रकार मास्क का भी इफेक्ट सेम रहता है। मास्क ना आपके मॉइस्चर को पैक कर देता है आपके बालों में, और आपके बालों के वो मॉइस्चर की कोटिंग को ज़्यादा हेल्दी बना देता है मेरे दोस्त। तो अगर आपको अपने बालों को थिक रखना है, मॉइस्ट रखना है, हेल्दी रखना है, घना रखना है, तो प्लीज़ हेयर मास्क का इस्तेमाल कीजिए और एक ऑर्गेनिक शैम्पू जैसे कि वाव अनियन शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, और आप खुद देखिए एक महीने के अंदर ना आपके बाल ज़्यादा थिक हो जाएंगे। आई प्रोमिस यू दिस, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आपके बड़े भाई की एक जेन्युइन दिल से एडवाइस। ओके दोस्तों, और मेरा फाइनल पॉइंट, आपके भाई की दिल की एक एडवाइस, ये चीज़ याद रखिए, हर इंसान होता है इनसिक्योर। हर इंसान को ये लगता है कि यार मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में, मेरे लुक्स में कोई ना कोई चीज़ तो कम है ही। और बहुत बंदों को ये लगता है कि यार क्योंकि मेरे बाल झड़ने लगे हैं, गिरने लगे हैं ना, इसकी वजह से मेरा सेक्सीनेस लेवल, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा हैंडसमनेस लेवल कम हो गया। पर ये सच नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान से पता है क्यों अट्रैक्ट होता है? उनके अंदर जो चीज़ है ना, वो चीज़ बाहर निकल आती है। उनकी वाइब की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ना कि उनके लुक्स की वजह से। तो हाँ दोस्तों, अपना बालों का ख्याल रखें, अपने बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए, पर ये भी जानिए कि यार बालों का झड़ना ना बहुत केसेस में जेनेटिक्स की वजह से होता है। और अगर आपने ये सारे चीज़ें की और फिर भी आपके बाल थोड़े से झड़ रहे हैं, तो प्लीज़ कैरी दैट विथ कॉन्फिडेंस। आप ही सोचो मेरे दोस्त, ये दुनिया भर के बॉल्डिंग या बॉल्ड सेक्सी मेन, इन सारे बंदों के कॉन्फिडेंस लेवल्स देख लीजिए, सेक्सीनेस लेवल्स देख लीजिए, इन सारे बंदों में पता है कॉमन फैक्टर क्या है? कॉन्फिडेंस। जो भी इनकी लुक है ना, ये दिल में तो कॉन्फिडेंस पकड़ कर ही हर जगह चलते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखिए कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हाँ ज़रूर स्टेप्स लीजिए, पर उसके साथ साथ एट ऑल पॉइंट्स लव योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। नमस्ते, लव यू ऑल।